जो संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। संगठन में तो मैं भूमिका में क्या, उसमें तो हम अरे कुछ साधारण कार्य करता था ही ना जी, लेकिन बूथ तक तो हमारे खड़ा किया हुआ है कि मैंने तो जब भी मैंने बताया 2010 क्योंकि मैं बैठने वाला आदमी हूँ, मैं काम करते रहता हूँ, तो पार्टी ने जब भी जो मौका दिया मैंने किया है। और फिर मैंने बताया ना कि फिर काम शुरू होगा तब करेंगे उसमें। मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी, अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी पर ही दूंगा, तो जहाँ भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए, और अपने नेता आज नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और उनको मैं बहुत बहुत। कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो उसके मद्देनज़र उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला, वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा, और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। हमारा जो संगठन है जनता दल युवा, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूँ, तो मैं तो बहुत साल आईएएस में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए आपको याद होगा, और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया, और इसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है।